अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरी शॉर्ट्स। आप लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक जहाज के ऊपर हेडलाइट्स क्यों नहीं होती। अब जब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो डेफिनेटली इसका आंसर भी इंटरेस्टिंग होगा। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप एक हेडलाइट को इस्तेमाल करते क्यों हैं, व्हाई डू यू नीड अ हेडलाइट। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आपके रोड के ऊपर जितनी भी व्हीकल्स चल रही हैं सबके ऊपर हेडलाइट्स होती हैं, इवन दी एरोप्लेन्स या जिनको अमेरिकन एयरप्लेन्स कहते हैं उनकी हेडलाइट्स भी होती हैं। ऑलमोस्ट हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हेडलाइट्स होती हैं, बहरी जहाज़ों की नहीं होती। वाई इज इट सो? अगेन लेट्स गो बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन कि आपको हेडलाइट्स की जरूरत होती क्यों है, वाई डू यू नीड दम। अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है, आपके सामने कोई टारगेट आ रहा है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, डेफिनेटली आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स यूज़ करेंगे, आप अपनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स यूज़ करेंगे। आप जिस रोड पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेडलाइट्स अपनी यूज़ करेंगे। आप उसकी दोनों साइड की पेरिफेरी देखने के लिए, रोड का इस साइड का सिरा और इस साइड का सिरा देखने के लिए आप अपनी हेडलाइट्स यूज़ करेंगे, ताकि आप कच्चे में ना उतर जाएं, आप रोड से नीचे ना उतर जाएं, बिकॉज दैट कैन कॉज एन एक्सीडेंट। सो डेफिनेटली यू नीड हेडलाइट्स फॉर दैट। रोड पर आगे कोई टर्न आ रहा है, आपने किसी गली में मुड़ना है, आपने किसी गली को आइडेंटिफाई करना है, आपने किसी टर्न को आइडेंटिफाई करना है, आप हेडलाइट्स यूज़ करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आपको किसी की अटेंशन चाहिए, आपने किसी को ये बताना है कि भाई एक मिनट ठहरो, मैं आ रहा हूँ, मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, मुझे रास्ता दो, मैं इस साइड से गुजरना चाह रहा हूँ, आप अपनी हेडलाइट्स यूज़ करेंगे और आप अपनी इंडिकेटर लाइट्स यूज़ करेंगे। लेकिन हेडलाइट्स के साथ एक इशू होता है। आपने कभी ये देखने की कोशिश की है कि गाड़ी की और इन तमाम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो हेडलाइट्स हैं उनकी रेंज कितनी होती है, आप कितनी दूर तक उससे देख सकते हैं? नॉट वेरी फार, 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, हद हो गई 300 मीटर, चलें आप और हद कर लें, 400 मीटर कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आप दूर तक देख नहीं सकते, isn't it? अब आप इन्हीं तमाम सिनेरियोज़ को ले आएँ बहरी जहाज़ के ऊपर। इन दी ओपन सी कोई ऐसा टर्न होता नहीं कि जो हम मिस कर जाएं तो हमें बड़ा अफसोस हो कि ओह हम गलत गली में घूम गए, ऐसा होता नहीं है। खुले समंदर के अंदर रोड कोई होती नहीं जिसका हमने दोनों की दोनों साइड की प्रेफरी देखनी हो, यार रोड जो है वो एंड कहाँ पे हो रहा है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, देयर इज नथिंग लाइक दैट। टारगेट्स होते ज़रूर हैं, लेकिन जहाज़ का स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है, अगर आप उसको कंसिडर करें, जहाज़ की स्पीड को आप कंसिडर करें, तो हमें कोई भी हेडलाइट ऐसी नहीं है जो कि उस टारगेट को आइडेंटिफाई करने में जल्दी से मदद करे। बिकॉज अगेन रिमेंबर, हेडलाइट्स के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि हेडलाइट्स की रेंज जहाँ पे आम व्हीकल्स के लिए, छोटी रेंज के लिए बहुत अच्छी है, वहाँ पे बहरी जहाज के लिए इट्स नॉट सो गुड। अगर आप बड़ी से बड़ी हेडलाइट्स पे लगा लेंगे, आपने वो देखा है क्लाउड्स के ऊपर लाइट्स पड़ रही होती हैं और फिर क्लाउड्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, 3-4 किलोमीटर तक, 3-4 माइल्स तक वो जा रही होती हैं। अगर आप उस तरह की हेडलाइट्स भी लगा लेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस, बिकॉज टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है और एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपकी वो लाइट टारगेट तक जाए, टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट आप तक आए और आपको टारगेट सही तौर पर, साफ तौर पर आइडेंटिफाई करने में मदद दे। ये जो मैंने आपको क्लाउड्स वाली अभी तक लाइटें बताई ना, इसमें अगर आपने गौर किया हो तो जो क्लाउड के ऊपर इमेज बन रहा होता है वो बहुत बड़ा होता है। जब रिटर्न होकर लाइट आपकी आंख तक पहुंचती है तो आपको वो एक साइजेबल इमेज लगता है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन केस ऑफ शिप्स, अगर आपने किसी दूसरे शिप को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपसे काफ़ी दूर मौजूद है, तो लाइट जब तक उस तक जाएगी और जाके वापस आएगी तो वो शिप आपको बहुत ही छोटा सा नज़र आता है, एंड ड्यू टू द ब्लैक हल एंड डार्कनेस ऑफ नाइट और सिर्फ वाइट एकोमोडेशन, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि यार होराइजन के ऊपर कौन सी चीज़ मौजूद है, ये कोई जहाज़ है, कोई और टारगेट है, क्या है। इसलिए जहाज़ के ऊपर हेडलाइट्स की बजाय एक और तरीका लगाया जाता है। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी गाइज डू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस। कंसिडर अ सिटी। आप इमेजिन कर लें कि आप मोटरवे पे चल रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो। अगर इंडिया में हैं तो आप किसी एक्सप्रेसवे का जिक्र कर लें। शहर आपको दूर से नज़र आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको शहर का ग्लो नज़र आता है जो कि क्लाउड्स तक आपको नज़र आ रहा होता है, आगे लाइट्स हैं, डेंस लाइट्स हैं। फिर जैसे जैसे आप शहर के करीब होते जाते हैं, आपको बिल्डिंग्स की लाइट्स नज़र आना शुरू होती हैं। आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, लाइट जल रही है, कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। जहाज़ के ऊपर इसी काम को ऑलमोस्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई होती है। जहाज़ के राइट साइड पे लगाई गई होती है ग्रीन लाइट, जो कि ऑब्वियसली आपको एक सामने फ्लड लाइट की तरह तो नहीं लगेगी, बट यू कैन सी इट फ्रॉम क्वाइट सम डिस्टेंस। जहाज़ के लेफ्ट साइड पर होती है रेड लाइट, जो कि ये इंडिकेट करती है कि ये जहाज़ की लेफ्ट साइड है या पोर्ट साइड है। जहाज़ के फॉरवर्ड में लाइट होती है और जहाज़ के आफ्ट मास्ट के ऊपर लाइट होती है। ये लाइट्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 माइल तक नज़र आना शुरू हो जाती हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन मेक आउट द आस्पेक्ट ऑफ अ शिप। आप ये देख सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड मास्ट और आफ्ट मास्ट लाइट दोनों की दोनों एक लाइन के अंदर मौजूद हैं तो ये जहाज़ यार मेरी तरफ आ रहा है। अगर जहाज़ की आपको सिर्फ ग्रीन लाइट नज़र आ रही हो तो आपको पता होता है ओह जहाज़ की मुझे ये वाली साइड नज़र आ रही है, आस्पेक्ट ऐसा है। अगर नज़र आ रही हो आपको रेड लाइट तो आप कह सकते हैं ओह जहाज़ ऐसा है, आपको ये वाली साइड नज़र आ रही है। एंड दैट इज़ क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू कि अगर हम जहाज़ के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइट्स लगा दें
वो खामखा अगले बंदे के लिए भी डिस्ट्रक्शन पैदा करें, ना उसको समझ में आए कि सामने से क्या चीज़ आ रही है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं, और ना हमें नज़र आए कि यार ये चीज़ है क्या। ये लाइट्स एक जहाज़ को दूसरे जहाज़ से डिफ्रेंशिएट करती हैं, फिर जहाज़ की लेंथ के मुताबिक इन लाइट्स के अंदर तब्दीली रूनमा की जाती है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जहाज़ कितना बड़ा है। एट द सेम टाइम एडिशनल लाइट्स लगाई जाती हैं अगर जहाज़ डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस में एंगेज हो तो, जिससे फ़र्क ये पड़ता है कि मैं अपने जहाज़ के ऊपर खड़े होकर आराम से दूसरे जहाज़ को देख सकता हूँ। बिकॉज रिमेंबर, रात का वक्त है, इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, कोई और लाइट आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है नहीं, तो आपको इजीली वो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, वाइट ओवर रेड, रेड ओवर वाइट, ये सारी की सारी लाइट्स आपको आराम से नजर आ जाती हैं। लेकिन अगर उस जहाज के सामने भी हेडलाइट्स होंगी बड़ी बड़ी, तो मुझे तो वो पहले पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ क्या है, ये किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ को जा रहा है, इसका मुंह एग्जैक्टली किस तरफ है। बिकॉज जहाज का आस्पेक्ट फाइंड करना, ये देखना कि जहाज की कौन सी साइड आपको नजर आ रही है, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये कोलिजन अवॉइडेंस में आपको मदद देती है। अब ये तो बात होगी जहाज की कि हमने दूसरे जहाज को देखा, दूसरे जहाज ने हमें देखा। व्हाट अबाउट द टारगेट्स? जहाज को सिर्फ और सिर्फ दूसरे जहाजों को तो नहीं देखना होता ना। बॉयज भी होते हैं जिनको आपको देखना जरूरी होता है, लैंड भी होता है, जमीन भी होती है जिसको आइडेंटिफाई करना, देखना जरूरी होता है। हाउ डू वी डू ऑल ऑफ दैट? तो एग्जैक्टली यही चीज इस्तेमाल की जाती है बॉयज के ऊपर भी और लैंड के ऊपर भी। बॉयज के ऊपर लाइट्स लगा दी जाती हैं, साउंड सिग्नल्स लगा दिए जाते हैं, रेकॉन्स लगा दिए जाते हैं, आजकल तो AIS आइडेंटिफायर्स भी लग रहे हैं कि जिनसे आप इजीली अपने रडार के ऊपर, अपने AIS के ऊपर और विजुअली आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये बॉय ये वाला है, ये बॉय ये वाला है, ये बॉय ये वाला है। वो लाइट इतनी रखी जाती है कि डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, आपकी नेविगेशन में आपको प्रॉब्लम ना दे, बट एट द सेम टाइम आपको इजीली नजर आ जाए। अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड को फिर एक और तरीके से जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो किया जाता है लाइट हाउस के जरिए। लैंड के किनारे के ऊपर वहां पे जहां पे आपको जरूरत हो लाइट लगा दी जाती है, उसको कहा जाता है लाइट हाउस, ऊंचा सा, लंबा सा, बड़ा सा। फिर हर लाइट हाउस की लाइट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसको देख के हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे ज़मीन है, हमने इसके पास नहीं जाना, या अगर हमने इसके पास से गुजरना है तो हमने इस तरीके से गुजरना है। ज़मीन के ऊपर लीडिंग लाइट्स लगाई जाती हैं, एक की लाइन में दूसरी लाइट, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ यार ये दोनों की दोनों लाइट्स हमने एक लाइन में रखनी है तो हम सही अप्रोच कर रहे होंगे। सो इन अ नटशेल, और अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताना चाहूँ, तो बजाय इसके कि हम बड़ी बड़ी हेडलाइट्स लगा के दूसरों को देखने की कोशिश करें, हर चीज़ को एक छोटी लाइट लगा के इल्यूमिनेट कर दिया जाता है। उस लाइट को उसकी अपनी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती हैं, कलर दे दिया जाता है, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लू, ऑल दोज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कलर्स। हम चार्ट के ऊपर देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये ग्रीन लाइट है, इतना फ्लैश कर रही है, ये फलां चीज़ है, ये लाइट घूमती हुई जा रही है, ये फलां वाला लाइट हाउस है, ये दोनों की दोनों लाइट स्टेशनरी हैं, ये लीडिंग लाइट्स हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि मेन वजह वही है, एक तो उन लाइट्स की वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पैदा होगी अगर हम बड़ी बड़ी लाइट्स लगाते हैं, और अगर हम लगाते हैं छोटी छोटी लाइट्स तो वो वैसे किसी काम के नहीं रहेंगी। हमें जो टारगेट्स देखने होते हैं वो मीलों दूर होते हैं, दे आर माइल्स अवे, 2 माइल, 4 माइल, 6 माइल, 8 माइल, समटाइम्स 10 माइल्स तक भी। तो जहाज़ के ऊपर हेडलाइट्स लगाना इन तमाम चीज़ों का सलूशन नहीं है। सबसे बेस्ट सलूशन यही है जो कि मैंने आपको अभी बताया, कि हर चीज़ को इल्यूमिनेट कर दिया जाए, हर चीज़ के ऊपर लाइट लगा दी जाए, हर चीज़ की लाइट को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएँ, ताकि हमें वो लाइट्स देख के ये अंदाज़ा हो जाए कि ये है क्या। और यही वो रीज़न है और यही वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से एक जहाज़ के ऊपर हेडलाइट्स नहीं लगी होती। अगर आप इंटरेस्टेड हों और अगर आप ये देखना चाहें कि समंदर में जब तूफान आता है तो हम करते क्या हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगर आप ये देखना चाहें कि जहाज़ पे खाना आता किस तरीके से है और हम इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी जाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।